हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी को सफीना इजी ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने ईद स्पेशल के लिए क्या क्या शॉपिंग किया है। जैसे कि मैंने आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताई थी कि मैंने कहाँ मार्केट करने गई थी, कहाँ मैंने शॉपिंग किया है ईद के लिए, तो वो पूरी वीडियो मैंने बताया है। और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि कैसे वो मार्केट में जाना है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, वो वीडियो मिस किया है, तो ज़रूर से जल्दी से देख लो। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को। बहुत ही सस्ते सस्ते कपड़े मिलते हैं और माशाल्लाह उस वीडियो में मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है आप लोगों की। और उस वीडियो में कमेंट्स भी आया था, जैसे कि मैंने वो ब्लॉग में बताया था कि मैंने आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग भी शेयर करूँगी शॉपिंग मैंने क्या क्या किया है, तो बहुत लोगों की कमेंट्स भी आया है। जी, हमें इंतज़ार है ज़रूर से अपलोड करना। तो उस कमेंट्स का मैंने यहाँ पर डीपी भी लगा दिया है, तो प्लीज़ इन लोग को सपोर्ट ज़रूर करना। अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, मुझे अच्छा लगा, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज़ बहुत सपोर्टिव है, सपोर्ट भी करना और दोस्ती भी बढ़ाना। तो यहाँ पर बस मैं आज वही सब शेयर करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर से ऑन कर ले, सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, पूरी वीडियो को ज़रूर देखना, बिल्कुल स्किप मत करना कि मैंने क्या क्या खरीदा है, क्या क्या लिया है, तो पूरा वीडियो ज़रूर बने रहे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं ये सब बैग से कैरी बैग से निकाल दी हूँ, क्योंकि मुझे पैकिंग करना है, गांव भी जाना है। तो मैंने सोचा कि पैकिंग करने से पहले आप लोग के साथ मैंने शेयर भी कर लूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदारी किया है, आप लोग को मैं दिखा दूँ, क्योंकि आप लोग भी एक फैमिली है, फैमिली जैसा है, तो आप लोग को दिखाना ज़रूर बनता है। तो जैसे कि ना हमेशा की तरह ईद की शॉपिंग करने से पहले हम लोग जो है गरीबों को बांटते हैं। अगर कपड़ा बांटना होता है तो कपड़ा बांटते हैं, या फिर पैसा बांटना होता है तो पैसा बांटते हैं। उन लोग को बांटने के बाद ही हम लोग ईद की शॉपिंग करते हैं। और ईद में तो आप लोग को पता ही है कि ज़कात खैरात में करना चाहिए हमें। सबसे पहले उन लोग की हक बनता है गरीब की, तो हम लोग ने वो मेरा हस्बैंड को पता है हर चीज़, तो वो पहले वो चीज़ शेयर कर देता है, उसके बाद हम शॉपिंग करते हैं। और ईद से पहले ही मुझे ये शॉपिंग हमेशा करना पड़ता है, क्योंकि गांव भी जाना रहता है साथ साथ इसकी वजह से। तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रही थी सबसे पहले हैंड पर्स जो कि मैंने ख़रीदा है, और किस किस के लिए मैंने ख़रीदा है ये मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तो यहाँ पर आप लोग को ये तीनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है, मैंने यहाँ पर अभी फ़िलहाल तीन ख़रीदा है, और मेरे लिए कौन सा है मैंने अभी तक चॉइस नहीं किया है। बस एक ही मुझे पसंद आया है कि मैं ये लूँगी, मतलब मन में से सोचा है, लेकिन आप लोग भी कमेंट्स करके बताना कि कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, तो वो मैं लूँ। और दो जो है मैं थोड़ा सेम टाइप की लिया है, क्योंकि किसी को मुझे गिफ्ट करना है इसके लिए। तो कैसा लग रहा है ये हैंड पर्स तो मुझे ज़रूर बताना। और ये तकरीबन 900 करके एक पड़ा है, तो मुझे काफ़ी पसंद है ये हैवी, मतलब पार्टी में जाने के लिए ना ये बहुत अच्छा होता है, ये मुझे बहुत अच्छा, बहुत पसंद आता है। मैंने मेरी ड्रेस के हिसाब से मैचिंग करके मैंने लिया है ये। तो तीनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है डिज़ाइन मुझे ज़रूर बताना, तो मैं चॉइस करूँगी ये फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला या थर्ड वाला। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर दिखाऊंगी सबसे पहले आप लोग को मेरी बेटी के कपड़े, जो कि शादी के लिए उन्होंने ख़रीदा है, ईद के लिए ख़रीदा है। उनकी पसंद के यहाँ पर कुछ कपड़े हैं, तो कुछ मेरे पसंद के हैं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कौन सा वाला ड्रेस आप लोग को अच्छा लग रहा है। ये जो है ये पाकिस्तानी जोड़ा है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया, और इसकी जो कलर है ना बहुत पसंद आया, बहुत ही बिल्कुल एकदम लाइट कलर है, और कपड़े जो है ना बहुत ही सॉफ्ट कपड़े हैं, तो मुझे बहुत पसंद आया ये ड्रेस। तो ये उनकी दो चाचू की शादी है, तो दोनों की शादी के लिए दो दो जोड़ी दिया है, जो कि एक ये वाला एक शादी में पहनेगा और एक ये वाला। ये भी बहुत, ये थोड़ा हैवी है और इसकी प्राइस भी हैवी है, और ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि न्यू पैटर्न है, ये पुराना ही पैटर्न जैसा लग रहा है, पुराना ही डिज़ाइन जैसा लग रहा है, बट इसमें कुछ चेंजेस है ये ड्रेस में, जो कि बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ना दुपट्टे भी है, और इसके साथ बैग भी है, जो कि पूरी मैचिंग की है, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने वीडियो में बैकग्राउंड में ही मैंने वॉइस करी थी, दी थी, जो कि वीडियो बहुत लंबी बन गई थी, उसके बाद मुझे बाद में ये म्यूट करना पड़ा, और फिर बाद में मुझे वॉइस करना पड़ा, क्योंकि इतनी लॉन्ग वीडियो नहीं शेयर कर सकती। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो ड्रेस है ये हल्दी के लिए लिया है, जो कि दोनों चाचू की शादी में ये हल्दी वाला कपड़ा चल जाएगा। ये उन्हीं की पसंद की है, मेरी लड़की की पसंद की,
तो ड्रेस की जो डिज़ाइन है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। ये न्यू पैटर्न आया है अभी और इसकी जो क्या बोलते हैं आस्तीन जो है ना एकदम न्यू डिज़ाइन है जो अभी न्यू फैशन में चल रहा है। तो आप लोग को दिखाती हूँ, ये हाफ कट कोट में है और ये वाला देख सकते हैं, ये गले में ऐसा हुक जैसा है, नेकलेस जैसा है और जो आस्तीन है वो दुपट्टा के लुक में भी आता है। जब ये पहनते हैं ना ऐसा लग रहा है कि दुपट्टा लटकाए हैं, लेकिन इसका जो आस्तीन बना हुआ है मोड़ी जैसा आस्तीन जैसा ड्रेस के आस्तीन होते हैं इस टाइप की ये बना हुआ है। तो ये ड्रेस जो है ना न्यू पैटर्न आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका लुक है। जो कि ये तीनों ड्रेस हो गया है, एक हल्दी के लिए और दो ड्रेस हो गया उनके बारात के लिए। तो मैंने आप लोग को बोली ना कि उसका ये कंधे पे लटकाने वाला पर्स भी है, तो जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है मैचिंग मैचिंग के। और ये वाला भी एक ड्रेस लिया है जो कि ईद में पहनने के लिए लिया है, मतलब अलग 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 हिसाब से उन्होंने ड्रेस खरीद के लिया है। ये वाला लिया है तो ये ईद में पहनने के लिए है। घर से वो डिसाइड करके गई थी कि मुझे किस तरीके से कपड़ा मतलब कब कब क्या क्या पहनना है। तो ये वाला एक न्यू ये डिज़ाइन है, इसके साथ बेल्ट है और पैंट है और नीचे पैंट है और ऊपर इस टाइप के ये कुर्ता है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, इसका कलर भी और ड्रेस की लुक भी जो वो पहनते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारे हो गए उनके ईद के और शादी के बारात के लिए, ये चार ड्रेस हो गया है। उसके बाद और भी ख़रीदा है जो कि मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ। ये हो गई है मेरी ड्रेस की मैचिंग की स्कार्फ जो कि बांधने के लिए, उसके साथ ड्रेस के साथ दुपट्टा अलग से है, लेकिन ये मैं मैचिंग के लेती हूँ हर ड्रेस के साथ क्योंकि स्कार्फ बांधने के लिए। और ये मेरी लड़की की है पर्स, वो अलग से भी फिर से अलग अलग ड्रेस में पहनने के लिए ये पर्स खरीद के लिया है। ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन ये कैमरे की लाइट की वजह से मुझे थोड़ा सा अजीब सी कलर दिख रहा है, लेकिन इसकी जो कलर है ना पिस्ता कलर है, पिस्ता कलर की ये पर्स है। और ये है उनके जूते, जूते जो है ना हमेशा मैं अलग टाइप की लेती हूँ, उसकी प्लेन सैंडल लेती हूँ, लेकिन इस बार उनकी पसंद का ही ऐसा ही उनको पहनना है डायमंड स्टन वाला, तो उनकी पसंद का ये इस बार उसने जूते खरीद के लिया है सैंडल। तो कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स करके। इसमें कैमरे की लाइट की वजह से ना बहुत अजीब सी मुझे दिख रहा है अभी, लेकिन नज़दीक से ये बहुत बहुत खूबसूरत है। उसकी जो डायमंड है ना स्टोन है ना बहुत बारीक बारीक सी है, जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गई बेटा की कपड़ा जो कि उनके लिए ख़रीदा है। ये है गर्मी में पहनने के लिए हाफ पैंट हाफ टी शर्ट। वैसे ऑलरेडी इन लोग के कपड़ा बहुत खरीद के रखा हुआ है, लेकिन ईद तो ईद होती है तो ख़रीदना ही पड़ता है। तो ये दो जोड़ी सिर्फ रोज़ पहनने के लिए लिया है, लेकिन ऑलरेडी और भी रोज़ डेली रोज़ के लिए कपड़ा उनका पहले से ही है और कुछ न्यू भी ख़रीदे हैं, लेकिन बहुत सारे कपड़े 7-8 जोड़ी कपड़े एक जन का ख़रीदा गया है। मेरी बेटी का भी और भी कपड़े हैं जो कि मैंने कौन सी बैग में कौन सी थैली में मैंने डाला है अभी मिल नहीं रहा, लेकिन आप लोग को आगे आगे जैसे जैसे वीडियो दिखाते जाऊँगी आप लोग को दिखाते जाऊँगी। उसके लिए भी बहुत सारे कपड़े ख़रीदा गया, इनके लिए भी ख़रीदा गया और अपनी फैमिली में जो जो है सबके बच्चे के लिए एक एक जोड़ी खरीद के लिए आए मैंने, जो कि हक सबका बनता। मैं हमेशा सबके बच्चे के लिए लेके जाती थी, लेकिन इस बार जो है ना एक फैमिली की एक ही बच्चे के लिए ख़रीदा है, क्योंकि मेरे जो फैमिली मेम्बर है ना बहुत बड़ा फैमिली है। तो अभी तक यहाँ पर जितने कपड़ा दिखाई ये सारे मेरे बेटा का ही कपड़ा है, और भी कपड़ा है कि कुछ और भी थैली में घुसा हुआ है वो निकलेगा, क्योंकि उस टाइम में ना सिर्फ शॉपिंग ही कर रहे थे हम लोग और कोई भी जो भी थैली आया सामने डाली रहे थे, क्योंकि इतना मार्केट भीड़ था, इतना बिजी थे ना तो ध्यान में नहीं था। अभी घर पे आके वो सारी चीज़ें निकाल के देखना पड़ता है। और यहाँ पर जो है ये मेरी बेटी की ड्रेस है जो कि डेली रोज़ पहनने के लिए लिया है, इसके कलर मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ले लिया। ये है उसकी हाथ की कंगन, दो दो करके लिया है। ये है मेरा, दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, लग रहा है मुझे तो बहुत पसंद आया था, मैंने हाथ में पहनी थी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये कपड़ा है मेरी बहन की लड़की है छोटी सी, इसके लिए कैसा लग रहा है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारे कपड़े जो है ना मैंने वहीं से खरीदा, मैंने जो नाकुदा मोहल्ला के मार्केट की वीडियो शेयर किया है, अगर आप में से किसी ने मिस कर दिया तो ज़रूर देखना वो मार्केट की वीडियो, मैंने पूरा कैसे जाना है नहीं जाना है मैंने पूरा सब कुछ बताया है। तो आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखना कि अगर आप लोग को वो मार्केट में शॉपिंग करना है तो ज़रूर से विज़िट करना। ये मेरी छोटी बहन की बेटी के लिए लिया मैंने, और ये है मेरा
फर्स ऑलरेडी मेरे पास है बहुत सारे, लेकिन फिर भी इस बार मैंने एक और न्यू खरीद लिया है। हर साल एक एक न्यू लेती हूँ, न्यू सैंडल हर साल, साल में एक बार और न्यू सैंडल होता ही है। तो ऐसे ही करके हर साल में खरीदते ना तो बहुत सारा हो जाता है। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा है, गांव में भी कुछ रखा है, कुछ इधर भी है। तो इस बार मैंने ब्लैक लिया है, ब्लैक मेरे पास नहीं था, जो कि ये बुरखे में पहनने के लिए अच्छा लगता है बुरखे के साथ। और ये है मेरी बेटी की हेयर बैंड ताज वाला, उसको बहुत पसंद है। ये है बेटा का, इनका सीधा ले लिया तो नहीं सही। मेरी बैकग्राउंड की आवाज़ को थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करना। और ये जो शर्ट है ना, ये मेरा एक भतीजा के लिए है, और शर्ट मेरा जेठ के लड़का है उसके लिए लिया। और ये सेम है शर्ट, शर्ट दोनों की सेम है, दोनों सेम है, एक ही हाइट के हैं और एक ही इसके हैं। इसके लिए वाइट ब्लैक ब्लू के लिए मैंने, ये मेरी है ननन की लड़का थी, मेरी ननन बड़ी वाली की एक बेटा है और बड़ा वाला की एक बेटा है, बड़ा जेठ की, तो दोनों के लिए ये लिया है। और ये है मेरे हस्बैंड के नीचे जो मेरा देवर है ना, ये उनके बेटा के लिए, मेरे देवर के बेटा के लिए, उसका भी एक ही लड़का है। तो हर एक एक बच्चे का मैंने एक एक ही कपड़ा दिया है। तीसरे नंबर का मेरा जेठ जो है, ये उनकी बेटा के लिए दिया मैंने, उसका भी एक ही लड़का है। ये भी है मेरा बेटा का ही, ये भी जोड़ा मेरा बेटा का ही, नाम मैंने लिख लिख के लिया है ताकि भूल ना जाए। उसी जिस समय में लिया था ना, उसी समय में मैंने सबके जो नाम के वार्ड होता है ना, मैंने लिख लिया है ताकि भूल ना जाए। और ये भी मेरी बेटा का है, देखो ये कपड़ा बहुत आ गया, बहुत खतरा हो गया। और ये है मेरी भतीजी के लिए, बड़ा वाला जेब जो है ना मेरा, उसकी बेटी का। कैसा लग रहा है ये कलर जो भी बता रहा, पिस्ता कलर मुझे तो बहुत पसंद है। हमें जो पहला वाला जो मैं दिखाया ना मेरी बेटी का ग्रे कलर वाला, दोनों डिजाइन सेम है, सिर्फ कलर अलग है। इसका घघरा है, घघरा नहीं सॉरी, इसका प्लाउज़ है, उसका भी प्लाउज़ है, उसका प्लाउज़ थोड़ा अलग है, उनका अलग है। इसमें दुपट्टा और बैग, ये इसका दुपट्टा है, खोलूंगी नहीं गाइस, ऊपर से आप लोग देख लो, मुझे बहुत भारी पड़ेगा ये सब पैक करने में। ये है उसकी बैग, पूरा ड्रेस की अच्छा लगता है ना, मैचिंग मैचिंग। और ये है मेरी बहन के लिए, मेरी छोटी बहन है ना, एक बहन शादी हो गई है तो एक छोटी और है, तो छोटी वाली के लिए दिया है ये बहन ब्लाउज। और ये है ऊपर का ड्रेस, ये भी कलर मुझे बहुत पसंद है, और पिस्ता कलर ना मुझे बहुत पसंद है। बट मैं भी लेने वाली थी, लेकिन दोनों का सेम हो जाएगा ना, इसके लिए मैंने नहीं लिया। ये भी अपने वाले लिए, अपने के लिए, मेरे लिए लेने वाली थी। देखो कैसा लग रहा है, ये नीचे का पैंट है, ये है दुपट्टा। और ये वाला है मेरे बेटा का, हल्दी में पहनने के लिए लिया है। तो दोनों भाई बहन की हल्दी वाला कपड़ा हो गया है और मेरा बाकी है, क्योंकि मेरे लिए मिला नहीं वहाँ पर, इसलिए नहीं ले पाया। और ये वाला जो कपड़ा है कोट पेन, सबसे हमारी फैमिली पे जो अभी सबसे छोटा है उसके लिए है, वो अभी न्यू पैदा हुआ है, लड़का है मेरे सेकेंड नंबर जेठ का, तो सबसे फैमिली में सबसे छोटा वही है, तो उसके लिए ये है। और हम लोग पहली बार जाएंगे उसके साथ मिलेंगे, इसके लिए थोड़ा सा उसके लिए अच्छा लिए हैं। और ये वाला मेरी छोटी वाली ननन की छोटी बेटी के लिए है, ऊपर वाला कोट है और नीचे का फ्रॉक टाइप की है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन पूरी वीडियो देखने के लिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मेरा वाला शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।